हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं वीरू विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम काशी से डिब्रूगढ़ के बीच 50 दिनों में 4000 किलोमीटर तक का सफर तय करने वाले दुनिया के सबसे लंबे भारतीय क्रूज शिप के बारे में जानेंगे। इस क्रूज का नाम गंगा विलास है। यह भारत में बना दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है। 13 जनवरी 2023 को पीएम मोदी बनारस से इस क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह शिप भारत में खास तौर पर विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। इस क्रूज के पहले सफर में 32 स्विस नागरिकों को शामिल किया गया है। इस 4000 किलोमीटर के सफर में यह क्रूज शिप वाराणसी की गंगा आरती के दर्शन करते हुए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन डेल्टा और बांग्लादेश समेत 50 पर्यटक स्थलों का सैर कराते हुए असम की राजधानी डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। यह क्रूज शिप सिर्फ गंगा ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर एक नदी का सफर तय करेगी जो डिब्रूगढ़ तक के रास्ते में पड़ेगी, जिसमें 27 नदियां शामिल हैं। आप मैप में देख सकते हैं कि यह क्रूज शिप भारत के पूर्वी राज्य से लेकर कई नदियों से होता हुआ काशी तक पहुंच रहा है। यह क्रूज कई हाईटेक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों के लिए 50 दिन का यह सफर उबाऊ न हो, इसके लिए कई इंतजाम किए गए हैं। सफर के दौरान क्रूज पर म्यूजिकल डांस और कई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके अलावा इसमें स्टडी रूम, हाईटेक लाइब्रेरी की भी सुविधा की गई है। पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती को देख सकें, इसके लिए ओपन स्पेस बालकनी बनाई गई है। यह क्रूज 6 जनवरी को बनारस आ जाएगा। इस क्रूज में स्पा, सैलून और एंटरटेनमेंट जोन भी बनाया गया है। साथ ही इस क्रूज में इनडोर गेम भी खेले जा सकेंगे। इसके अलावा कई तरह के भारतीय व्यंजनों को भी परोसा जाएगा। जो स्विस पर्यटक इस क्रूज का सफर करेंगे उन्हें वाराणसी के आध्यात्मिक जगहों का भ्रमण कराया जाएगा, जिससे वह भारत और काशी के प्राचीन संस्कृति को नजदीक से देख सकें। यह क्रूज सिर्फ लकड़ी के खिलौने, गाजीपुर का वॉल हैंगिंग समेत कई भारतीय उत्पादों से डेकोरेट रहेगा। इस क्रूज की लंबाई 62 मीटर और चौड़ाई 12.8 मीटर है। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।